गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स, ये आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास ट्वेल्थ में एक्सरसाइज 4.3 का है। और इसमें यहाँ ये बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें एक डेल्टा दिया गया है, डेल्टा बराबर एक सार्डिन दी गई है और उन्होंने कहा है सी थ्री स्तंभ का मान निकालना। तो आपको काम क्या करना है कि ये स्तंभ है हमारा C1, C2, C3, R1, R2, R3, यानी हमारे जिस स्तंभ के सहखंड के द्वारा निकालना है तो उसे हम डेल्टा का मान निकालना है। तो डेल्टा का मान आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तरीका जैसे है कि हम पहले जैसे किसी भी सारणिक का मान निकालते थे वैसे काम करना है। दूसरा तरीका क्या है, जिसके स्तंभ के थ्रू पूछ रहा है उसके थ्रू निकालना है। तो हमारा काम क्या है, डेल्टा बराबर फार्मूला हमारा ये होता है A13 कैपिटल A13, A23 कैपिटल A23, A33 कैपिटल A33। तो हमें यहाँ तीसरे स्तंभ के सेकंड के अनुसार निकालना, तो तीसरे स्तंभ के हमने यहाँ सेकंड निकाल लिए, तो सेकंड को हम कैपिटल A13 से प्रदर्शित करेंगे, निरूपित करेंगे। तो तीसरा स्तंभ ये है हमारा। तो तीसरे स्तंभ में हमने ये देखा कि अगर हमें पहला वाला निकालना है तो हमने इसे बंद कर लिया, तो ये लाइन गायब हो गई इसके सीध पे और ये गायब हो गई, तो बचा क्या A1 Y1, इसका मल्टीप्लाई कर लिए तो Z-Y1। ऐसे ही हमने A23 निकाला, इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस ब्रैकेट में Z-X हो गया। ये माइनस चिन्ह कैसे आया, ये आप जोड़ लीजिए पंक्ति और स्तंभ को, अगर ये हमारा सम आता है तो प्लस आएगा, विषम आता है तो माइनस आएगा। A33 निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, Y-X आ गया, प्लस था, A33 विषम है तो हमारा प्लस आया। फिर डेल्टा का फार्मूला लगाया, इस तरीके से फार्मूला लगाने के बाद हमने इसमें मान लिया A13 का मतलब क्या है, A23 ये हमारा, फिर A33 इस तरीके से मान रखी है हमने, इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ हमें बड़ी जटिलता से सोचना था कि हमें इस तरीके से उत्तर कैसे ला। तो हमने ये देखा कि इसमें क्या कॉमन मिल रहा था, Y-Z कॉमन मिल रहा था, Z-Y। इसमें हमने देखा कि क्या कॉमन मिल रहा है, X2 कॉमन मिल रहा है, तो Z-Y बचेगा। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, X, तो Y2 - Z2 बचेगा। इसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ Z-Y, यहाँ Z-Y और यहाँ पर है, ये हमने देखा कि यहाँ Y2 - Z है, तो यहाँ एक फार्मूला होता है, एक बार इन्हें जोड़ दो एक बार घटा दो, लेकिन ये उल्टे भी देखेंगे, तो पहले माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो Z2 - Y2 हो गया। इस तरीके से हमने देखा कि पूरे ब्रैकेट में से Z-Y कॉमन है, तो कॉमन लिया तो यहाँ बचा Y-Z, यहाँ बचा X2, यहाँ बचा -X और यहाँ बचा Z+Y। इस तरीके से अगली लाइन में आप -X का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और ये आंसर आ गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सवालों को लगाते रहें, क्लास 12th का है। थैंक यू गाइस।